अब इसमें क्या है, सी टू वी की जैसे ही इसमें भी करेक्टर टेबल बनेगी, मॉलिक्यूल का हम लोग सिमेट्रिकल ऑपरेशन काउंट करेंगे और उसको करेक्टर टेबल में शो करेंगे, ठीक है। तो सी थ्री वी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया, एन एस थ्री, ठीक है। एन एस थ्री मतलब क्लियर हो रहा है कि थ्री फोल्ड ऑफ सिमेट्री, थ्री फोल्ड ऑफ सिमेट्री में समझ जाना, हम इसको 1, 2 और 3 ऐसे लिख देते हैं। C3 का 1 रोटेशन करेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। H1, H2 आगे चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। एक बार और रोटेशन करिए तो अगले रोटेशन C3 का क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। C3 थ्री फोल्ड ऑफ सिमेट्री का सेकंड रोटेशन है, तो ये C3 का सेकंड, हाँ, नाइट्रोजन यहाँ पे रहेगा, H1 इधर आ जाएगा, यहाँ पे H2 और यहाँ पे H3, ठीक है। आप नेक्स्ट इसका रोटेशन करोगे तो नेक्स्ट रोटेशन पे ये वन वाला आगे घूम करके यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे N, सॉरी H1, इधर H2 और ये वाला H3 हो जाएगा। यस, ये हमारा ऑपरेशन है C3 का 3, थर्ड फोल्ड ऑफ सिमेट्री है। फर्स्ट फोल्ड ऑफ सिमेट्री में ये C3 का 1 आया, सेकेंड फोर में C3 का 2 ऑपरेशन और C3 का 3 ऑपरेशन है, ये एज इट इज है, 1 के एकदम मिलता जुलता है, तो इसको हम इज इक्वल टू आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C3 का 1, C3 का 1, C3 का 2, ठीक है, ये 2 ऑपरेशन है, C3 का 1 और C3 का 2, तो इसको 2C3 लिख सकते हैं कॉमन रूप में, क्या लिख सकते हैं, 2C3 लिख सकते हैं, 2 है ना, C3 फोल्ड ऑफ सिमेट्री 2 है, और जो C3 का 3 था आइडेंटिटी मैंने सबसे शुरू में लिख दिया, क्लियर हुआ आपको। अब इसमें मैं प्लेन बता रही हूँ, ठीक है, ये C3 का 2 और C3 का 1 कंबाइन करके C3 का मैंने 2 लिख दिया, वो करेक्टर टेबल में शो कर दिया। अब इसमें प्लेन की बात करते हैं, तो इसमें 3 प्लेन है, 3 प्लेन कैसे है समझिएगा। पहला प्लेन हम इस एच वन से होकर के गुजारेंगे जो कि डिवाइड करेगा एच टू को और एच थ्री को, हम यहाँ से इसको काटे, ठीक है, तो एक तरफ एच टू मॉलिक्यूल हो और एक दूसरा, एक दूसरा वाला एच थ्री मॉलिक्यूल हो, ठीक है, हाइड्रोजन ही, तो दो हाइड्रोजन एक इधर बचेगा एक इधर बचेगा, बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया पहले केस में। दूसरे वाला प्लेन हम लोग क्या होगा, यहाँ पे एच वन से यहाँ से एच टू से होके काटेंगे, यहाँ से काट दीजिए और एक इधर से काट देंगे, तीन प्लेन इस तरह से इसको काटते हुए गुजरेंगे, ठीक है, एक से होकर के जाएगा और दो को बराबर भाग में विभाजित करेगा, एक से होकर के जाएगा और दो को बराबर भाग में विभाजित करेगा। थोड़ा सा पेन दीजिए मुझे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तीन पेन दो, ठीक है, एक और दीजिए, ये नाइट्रोजन है, ये बीच में मिड पॉइंट नाइट्रोजन है, ठीक है, ये बीच वाला जो सेंटर है ऐसे ले रख लेती, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, ठीक है, मिड पॉइंट नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड के बाद एक हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, इसको प्लेन को कट करना है, तो मैं बोल रही हूँ कि एच वन से इस वाले प्लेन से लेकर के जाएंगे इस वाले से, तो ये कट हो जाएगा मॉलिक्यूल और ये हो करके कहाँ से जाएगा, दोनों के बीच से जाएगा, एक तरफ ये एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और एक इधर है, एक प्लेन लगा, क्लियर हुआ सबको, एक इससे होकर के जाएगा, इसको काटते हुए जाएगा और दोनों के बीच से होकर गुजरेगा, क्लियर हुआ, ये दो बराबर भाग में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। पहला प्लेन हुआ, इधर से काटे, एक इसको काटे और एक यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे तो ये दोनों बराबर भाग में, तो ये तीन यहाँ पे प्लेन है, क्लियर हुआ आपको, ये इस तरह से तीन ये मॉलिकुलर प्लेन्स हैं, ठीक है, तीन इस मॉलिक्यूल को कट करते हुए प्लेन है, ये वाला मॉलिक्यूल से आपका एच वन था ना, पासिंग थ्रू आउट एच वन बिटवीन एच टू एंड एच थ्री, ये एच वन है, ब्लैक पेन आपका एच वन है, तो प्लेन पासिंग थ्रू आउट एच वन इन बिटवीन एच टू एंड एच थ्री, बीच में किससे होके जा रहा है, एच टू और एच थ्री से होके जा रहा है, फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लेन पासिंग थ्रू आउट एच टू, एच टू से हो करके जा रहा है और पासिंग थ्रू आउट बिटवीन एच वन एंड एच थ्री, एच वन एंड एच थ्री, ठीक है, नेक्स्ट प्लेन है पासिंग थ्रू आउट फ्रॉम एच थ्री, ये थ्री नंबर है, 1, 2, 3 और पासिंग थ्रू बिटवीन एच वन एंड एच टू, इससे होकर के बीच से गुजर रहा है, तो ये तीन इसमें प्लेन हो गए, ठीक है, तीन प्लेन इसमें हो गए, तो तीन थ्री प्लेन को हम मैंने सीधे कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया, 3σv, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ही है दोनों, 3 को सिग्मा वी लिख दिया, ठीक है, 3σv एक साथ लिख दिया आपने करेक्टर टेबल में, क्लियर हुआ, 3σv, अब इनको हम लोग यहाँ पे करेक्टर टेबल में ऐसे सामने रख लेंगे
एम को लिख देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन आपको अपने उसमें बना लेना, जो भी मैंने राउंड करके बताया उसको आप लिख लेंगे। इस तरह से सी थ्री बी बना दीजिएगा यहाँ पे ऐसे रख के, और यहाँ पे ये ए वन ए टू और ई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू वन वन के बराबर आती है, पहले बार करेक्ट टेबल में रखोगे क्योंकि आइडेंटिटी का ही मल्टीप्लीकेशन था तो वन वन के इक्वल आएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट करेक्ट टेबल को ऐसे बना लीजिएगा, शो कर लिए। और नीचे वाली जो वैल्यूज है ये वन और ये टू के इक्वल होती है क्योंकि दो आइडेंटिटी का ऑपरेशन है तो टू हो जाते हैं। ठीक है, इतना बना लिए, वन वन और टू बना लिए। नीचे की डाउन डायरेक्शन में वो टू वैल्यू को शो करता है। थ्री टू सी टू और थ्री सिग्मा बी है ना, तो इसकी जगह पे ये वन वैल्यूज आती है, ये माइनस वन आती है, और इसको ए और बी मान लीजिए। ये वन के इक्वल आएगा, ये माइनस वन के इक्वल आएगा। तो एक्चुअल में ये माइनस वन होता है और ये वैल्यू जीरो होती है। ये माइनस वन और ये वैल्यू जीरो होती है, माइनस वन और जीरो। हाँ, आप अलग अलग बनाएंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए जिससे। ठीक है, पहले वन वन इधर वाली टेबल एक बार शो की, फिर अगली बार वन वन और टू बना लिए, फिर अगली बार ये वन वन के बाद ये वाली वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पे माइनस वन और ये वैल्यू माइनस वन। यहाँ पे ध्यान रखना डायगोनल वाली वैल्यू इधर लास्ट में जीरो आती है। ये कितनी वैल्यू के इक्वल आएगी, जैसे मैंने वहां पे आपको सिखाया था ना, तो ये सिक्स के इक्वल आता है। ये वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन स्क्वायर, ये दो वैल्यू थी ना, इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स आएगा। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे क्या आएगा, वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करो दो है ना, तो चार और तीन ये सिक्स हो गया, टोटल सिक्स वैल्यू हुई करेक्ट टेबल में। हमारे पास इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स के इक्वल आ जाएगी।